दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी पसंदीदा टीम इस बार प्लेऑफ में पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चेन्नई के खिलाफ की जीत के बाद रोचक हो गया अंक तालिका का हाल। गुजरात की जीत से दिल्ली, लखनऊ और बैंगलोर की टीम को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वहीं चेन्नई की टीम को लगा तगड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, गुजरात और चेन्नई के बीच खेले गए मैच में गुजरात की टीम को जीत मिली है, जिसके बाद अंक तालिका का हाल बदल चुका है। तो आखिरकार गुजरात की जीत से किस टीम को फायदा और किसको नुकसान हुआ है, ये तो आपको बताएंगे ही, साथ में पूरी अंक तालिका के हाल के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है कि आईपीएल के प्लेऑफ में अब कौन सी चार टीमें पहुंच सकती हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल 2024 के 59 मैच समाप्त हो चुके हैं, जहां पर अंक तालिका का हाल और भी ज्यादा रोचक हो चुका है। चेन्नई और गुजरात के बीच गुजरात के घरेलू मैदान पर रोमांचक मैच खेला गया, जहाँ गुजरात की टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 231 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए, और इसका पीछा करते हुए चेन्नई की टीम लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई और मात्र 196 रन 8 विकेट खोकर बना पाई, जिसके चलते गुजरात की टीम को 35 रन से जीत मिल गई है। इसके बाद अब अंक तालिका में भी काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। दरअसल अंक तालिका के बारे में बात करें तो सबसे नीचे पंजाब की टीम मौजूद है, जिन्होंने अपने 12 मैच खेले हैं। इस बीच उन्होंने 4 मैच में जीत दर्ज की है, तो वहीं 8 मैच में हार का सामना किया। इस दौरान इनका नेट रन रेट भी नेगेटिव में 0.42 है और इस बार प्लेऑफ की रेस से ऑफिशियली बाहर हो चुकी है। तो वहीं अभी भी 9 नंबर पर अब मुंबई की टीम मौजूद है, जिन्होंने अपने 12 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 4 मैच में जीत दर्ज की है, तो वहीं 8 मैच में हार का सामना किया, जिसके चलते उनके 8 अंक हैं, जहां पर इनका नेट रन रेट नेगेटिव में 0.21 है। हालांकि मुंबई की टीम का आधिकारिक रूप से सफर समाप्त हो गया, तो वहीं 8 नंबर पर अब गुजरात की टीम आ चुकी है, जिन्होंने अपने 12 मैच खेले हैं। इस बीच उन्होंने 5 मैच में जीत दर्ज की है, तो वहीं 7 मैच में हार का सामना किया है, जिसके कारण उनके 8 अंक हैं। इस दौरान इनका नेट रन रेट चेन्नई की टीम के खिलाफ 35 रन से जीतने के बाद काफी ज्यादा बेहतर हो गया। इस बीच गुजरात की टीम का नेट रन रेट नेगेटिव में 1.07 है, तो वहीं गुजरात की टीम को अपने बचे हुए दोनों मैच जीतने हैं और दूसरी टीम पर नेट रन रेट के कारण पूरी तरह से निर्भर रहना है। तो वहीं 7 नंबर पर बैंगलोर की टीम मौजूद है, जिन्होंने अपने 12 मैच खेले, इस बीच उन्होंने 5 मैच में जीत दर्ज की है, तो वहीं 7 मैच में हार का सामना किया, जिसके चलते उनके 8 अंक है। इस बीच इनका नेट रन रेट पॉजिटिव में 0.21 है, तो वहीं बैंगलोर की टीम को अपने बचे हुए दोनों मैच जीतने हैं, साथ में दूसरी टीमों के ऊपर भी निर्भर रहना पड़ेगा। तो वहीं 6 नंबर पर लखनऊ की टीम मौजूद है, जिन्होंने अपने 12 मैच खेले हैं, इस बीच उन्होंने 6 मैच में जीत दर्ज की है, तो वहीं 6 मैच में हार का सामना किया है, जिसके कारण उनके 12 अंक हैं। इस बीच इनका नेट रन रेट नेगेटिव में 0.76 है। ऐसे में लखनऊ की टीम को अपने बचे हुए दोनों मैच जीतने पड़ेंगे, साथ में बाकी टीम के नतीजों पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। तो वहीं 5 नंबर पर अब दिल्ली की टीम मौजूद है, जिन्होंने अपने 12 मैच खेले हैं, इस बीच उन्होंने 6 मैच में जीत दर्ज की है, तो वहीं 6 मैच में हार का सामना किया, जिसके चलते उनके 12 अंक हैं। इस दौरान इनका नेट रन रेट अभी भी नेगेटिव में 0.31 है। तो वहीं दिल्ली की टीम को बचे हुए दोनों मैच में जीत दर्ज करने के साथ दूसरी टीम पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो वहीं 4 नंबर पर चेन्नई की टीम मौजूद है, जिन्होंने 12 मैच खेले, इस बीच उन्होंने 6 मैच में जीत दर्ज की है, तो वहीं 6 मैच में हार का सामना किया, जिसके चलते उनके 12 अंक हैं। तो वहीं चेन्नई की टीम का नेट रन रेट भी गुजरात के खिलाफ 35 रन से हारने के कारण खराब हो गया है, जहां पर इनका नेट रन रेट पॉजिटिव में 0.49 है। हालांकि चेन्नई की टीम को अपने बचे हुए दोनों मैच में जीत दर्ज करनी जरूरी है, साथ में दूसरी टीम के नतीजे पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता है। तो वहीं 3 नंबर पर हैदराबाद की टीम आ चुकी है, जिन्होंने अपने 12 मैच खेले हैं, इस बीच उन्होंने 7 मैच में जीत दर्ज किया, तो वहीं 5 मैच में हार का सामना किया, जिसके चलते उनके 14 अंक हैं, जहां पर इनका नेट रन रेट पॉजिटिव में 0.40 है। ऐसे में हैदराबाद की टीम को अपने अगले 2 मैच में जीत दर्ज करने के साथ प्लेऑफ में पहुंचने का मौका मिलेगा। तो वहीं अब सबसे ऊपर कोलकाता की टीम मौजूद है, जिन्होंने अपने 11 मैच खेले, इस बीच उन्होंने 8 मैच में जीत दर्ज की है, तो वहीं 3 मैच में हार का सामना किया, जिसके चलते उनके 16 अंक हैं। ऐसे में अब कोलकाता की टीम का नेट रन रेट सबसे बेहतर पॉजिटिव में 1.45 है, जिसके चलते कोलकाता की टीम इस बार प्लेऑफ के करीब पहुंच गई है और कोलकाता की टीम को अपनी जगह पक्की करने के लिए मात्र 1 जीत चाहिए। तो वहीं ऑरेंज कैप के बारे में बात करें तो अब सबसे ऊपर विराट कोहली 634 रन के साथ मौजूद हैं, तो वहीं 2 नंबर पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 541 रन के साथ मौजूद हैं, तो वहीं 3 नंबर पर ट्रेविस हेड 533 रन बनाकर मौजूद हैं। तो वहीं पर्पल कैप के बारे में बात करें
तो यहां पर सबसे ऊपर हर्षल पटेल 20 विकेट के साथ मौजूद हैं, तो वहीं दूसरे नंबर पर जसप्रीत बुमराह भी 18 विकेट के साथ मौजूद हैं और तीसरे नंबर पर वरुण चक्रवर्ती 16 विकेट के साथ अब मौजूद हैं। तो वहीं सिक्सर किंग के रूप में अभिषेक शर्मा 35 छक्के के साथ सबसे ऊपर मौजूद हैं, तो वहीं दूसरे नंबर पर सुनील नारायण 32 छक्के लगाकर मौजूद हैं, वहीं तीसरे नंबर पर ट्रेविस हेड 31 छक्के लगाकर मौजूद हैं। हालांकि अभी भी इस लिस्ट में काफी ज्यादा बदलाव होने की संभावना है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस बार चेन्नई की टीम को इस बार प्लेऑफ में पहुंचने का मौका मिल पाएगा या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।